शिमला के बाजारों में अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों और तह बाजारियों पर नकेल कसने के लिए नगर निगम ने अभियान तेज कर दिया है। नगर निगम आयुक्त आशीष कोहली ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार अतिक्रमण हटाने और तह बाजारी को रोकने के लिए निगम प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रहा है। आशीष कोहली ने बताया कि बाजारों को आम लोगों के आवागमन के लिए सुचारू बनाने, आगजनी और आपातकाल जैसे हालात में अग्निशमन वाहनों के लिए सुचारू बनाने के लिए बेहद जरूरी है कि दुकानदारों के अतिक्रमण को हटाया जाए। इसमें ये कुछ दुकानदार आए भी थे और ये जो पब्लिक पाथ पे इंक्रोचमेंट और ओवरहैंगिंग है, इससे जनता की आवाजाही में समस्या रहती है और माननीय उच्च न्यायालय के भी इसमें आदेश हैं और उसके अंतर्गत अब ये व्यापार मंडल भी पार्टी है, उसमें जो तय बाजारी के प्रेसिडेंट हैं वो भी पार्टी है। तो उनसे हमने, हमारा अनुरोध भी है कि ये जो ओवरहैंगिंग्स हैं इनको हटाएं और वो इस बात के लिए काफ़ी हद तक तैयार भी है। नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। ये जो तय बाजारी हैं कुछ, ये स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट जो है उसके तहत इनको भी, ये रजिस्टर्ड तय बाजारी हैं और इनको एमसी के द्वारा ही, ये रजिस्टर्ड वेंडर्स हैं हमारे और इसमें 750 के आसपास पूरे शहर में ये रजिस्टर्ड वेंडर्स हैं और इनको ये यहाँ पे स्पेस एलोकेट की गई है। ये बात सही है कि कई बार जो है अनऑथराइज्ड जो तय बाजारी हैं वो भी बैठ जाते हैं और हमारी टीम्स इनको स्पेशली ये अभियान चला करके इनको हटाते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।